आज लेके आई हूँ एक सिंपल से हरे मिर्च के अचार की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए पहले मैंने मिर्चों को अच्छे से धोकर और कपड़े से पूछ के इनको सुखा लिया है। उसके बाद इनको कट करना स्टार्ट किया है। बीच में से इस तरीके से हमें इन्हें कट कर लेना है और उसके बाद हम इसके आगे प्रोसेस की तैयारी करेंगे। हरी मिर्चें हमारी सारी कट चुकी हैं, अब इनको हमने रख देना है एक साइड पे और करेंगे हम इसके बाद अपने मसाले की तैयारी, जो कि हमने हरी मिर्च को बनाते वक्त यूज़ करना है। तो चलिए गाइस, कर लेते हैं अपने मसाले की तैयारी। मसाले के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच थोड़ी देर चलाते हुए सेक लेंगे, थोड़ा सेक लेने के बाद इसके अंदर जाएगी मेथी, मेथी भी 2 चम्मच और राई भी 2 चम्मच। इसका यही रेशो होता है। इस तरीके से हमने इनको चलाते हुए सेक लेना है, कलर ज़्यादा चेंज ना हो इस बात का खास ख्याल रखें, सिर्फ इनके अंदर एक सौंधी सौंधी सी महक आए उतनी देर के लिए हमने इनको सेकना है बस। और फिर गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, अब हमने इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है पीस के। मसाला हमारा फ्रेंड्स पिस चुका है, इसको कर लेंगे हम अपने अचार के साथ, मिर्चों के साथ सॉरी मिक्स। और मिर्चें जो हमने काट के रखी थी उसके अंदर पूरा का पूरा मसाला जो हमने पीसा है उसको ऐड कर लेंगे। साथ ही के साथ इसमें जाएंगी 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच वाइट विनेगर सिरका, बड़े वाला चम्मच डलेगा, 2 बड़े चम्मच तेल पका के रखेंगे और उसको जो हमने पहले मसाला और मिर्च मिक्स करके रखे थे उसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से दोबारा से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमने लेना है एक प्लास्टिक का जार या कोई भी आप डब्बा ले सकते हो, आप कांच का भी ले सकते हो। उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से सूखा हुआ हो, साफ़ हो अंदर से। उसके अंदर हम इस अचार को फिल कर लेंगे और इसको रख देंगे 1 हफ्ते के लिए। आप चाहो तो नेक्स्ट डे से खाना स्टार्ट कर सकते हो इसको, क्योंकि हमने सिरका डाला है तो ये बहुत जल्दी गल जाता है, और आप चाहो तो 1 हफ्ते बाद इसको खाना स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो अचार की रेसिपी है बस झटपट बनकर तैयार है। अगर आप लोगों को इसी तरीके के और वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।